नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग रिपेयरिंग एंड मोर में मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक टेंशन, ये दूसरा टेंशन और ये तीसरा टेंशन आपको कैसे सेट करना है। आप देखिए, ये टेंशन की हालत देखिए, ये दूसरा टेंशन देखिए, इसकी हालत देखिए और ये तीसरा। मशीन की कंडीशन अच्छी है, लेकिन कस्टमर की कंप्लेन ये है कि उसे प्रॉपर सिले नहीं मिल रही है। अब जाहिर सी बात है कि आप ये सब टेंशन की ऐसी हालत होगी तो आपको सिले प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको ये सब टेंशन को कैसे सेट करना है और उसके बाद सिले कैसी मिलेगी। देखिए, एक बात बता दूँ, ये टेंशन जो है, कई बार मशीन नए भी आते हैं उसमें ऐसे होता है। आप ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत सारे नए मशीन खरीदी है, बॉक्स में से जब भी निकालता हूँ ये टेंशन ऐसा होता है। हालांकि ये टेंशन ऐसा होना चाहिए, देखिए आप खुद भी देखिए, ये जो पार्ट है वो सीधा होना चाहिए, ऐसे रखना है टेंशन को। और ऐसे टेंशन को रखे, अगर आपके घर का मशीन का टेंशन भी ऐसे हिल रहा हो तो उसे ऐसे सीधा रखिए और टाइट कर दीजिए। देखिए, ये टाइट हो गया, ये सीधा रखना है। सीधा इसीलिए रखना है दोस्तों, ताकि यहाँ से धागा आएगा वो धागा प्रॉपर प्रेशर में रहे। देखिए, ये प्रॉपर इसको प्रेशर मिलेगा। ये एक सेटिंग हो गया टेंशन का, ऊपर वाले का। देखिए, अब दूसरे टेंशन का सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो पार्ट है मैं आपको टाइट करके दिखाता हूँ। देखिए, कई लोग ऐसा रखते हैं, कई लोग एकदम ऊपर रखते हैं, कई लोग ऐसे रखते हैं, ऐसा नहीं रखना है। मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ, आपके पास ऐसा डिसमिस तो होगा ही, आप अपने घर पे भी सेट कर सकते हो। प्रॉपर सेटिंग कैसे रखना है वो बताता हूँ मैं। देखिए, ये एकदम सीधा होना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये एकदम सीधा है, ये प्रॉपर सीधा ही रखना, ना ऊपर ना नीचे ना ऊपर, सीधा रखना है। ये दूसरे टेंशन का सेटिंग हो गया। अब ये तीसरा जो टेंशन है, देखिए इसकी भी क्या हालत हो गई है। इसे ऐसे ढीला करना है, फिर इसको इतना ऊपर नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, या इतना नीचे भी नहीं, इसको थोड़ा क्रॉस में रखना है दोस्तों, क्रॉस में रखना है। मैं वो बताता हूँ आपको, देखिए क्रॉस में इसीलिए रखना है, थोड़ा नीचे रखना है, ताकि यहाँ से धागा जाएगा तो प्रॉपर धागा प्रेशर में रहेगा। इसलिए इसे बहुत ऊपर नहीं रखना, बहुत नीचे नहीं रखना है, थोड़ा नीचे क्रॉस में रखना है। ये हो गया। अब एक बात आपको और बता दूँ, कई लोग इसको बहुत ढीला कर देते हैं तो फिर ये स्प्रिंग का कोई मतलब। देखिए, अभी ये स्प्रिंग जो है, ये ऊपर का पेंच एकदम ढीला है, तो स्प्रिंग प्रेशर दे ही नहीं रही है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। हमेशा इसको ऐसे टाइट करिए मीडियम रेंज पे कि प्रॉपर प्रेशर मिले, तो आपको सिले अच्छी मिलेगी। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है और यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ये स्प्रिंग का मेन इंटेंशन वही है कि धागे को प्रेशर मिले। तो इस प्रकार से एक दो तीन, ये तीनों टेंशन को आपको सेट करना है। अब मैं आपको धागा डाल के बताता हूँ कि प्रॉपर सिलाई कैसी दे रहा है ये मशीन, ये टेंशनों को थोड़ा सेट करने के बाद। तो देखिए, मैंने ये मशीन में धागा डाल दिया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आप सीधा रख रहे हैं तो ये जो धागा है, देखिए ये धागा ये होल में से जा रहा है, टेंशन के बीच में जा रहा है, ये धागा पूरा ऐसे करके एक यू शेप ले रहा है। तो यू शेप ऐसे प्रॉपर लेगा तो धागे को अच्छा प्रेशर मिलेगा, तो सिलाई अच्छी देगा। दूसरी एक बात देखिए,
आप टेंशन को, ये होल को यहाँ पे सीधा सेट करेंगे तो धागा एकदम प्रॉपर सीधा रहेगा, धागा खींचेगा नहीं, बार बार धागा खींचेगा नहीं तो वो सिलाई अच्छी देगा। तो इसको ऐसे सेट करना है। और तीसरा, ये टेंशन को थोड़ा नीचे इसीलिए सेट किया है ताकि ये जो दो डिस्क के बीच में धागा है उसे प्रॉपर प्रेशर मिले। अगर आपने ओवरलॉक मशीन का धागा कैसे डालते हैं वो मेरा वीडियो देखा नहीं है तो मैं लास्ट में उसकी लिंक दे दूंगा, या आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि धागा कैसे डालते हैं। तो आइए अब मैं आपको मशीन चला के दिखाता हूँ कि ये तीनों टेंशन कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारी मशीन के सिले के लिए, और तीनों टेंशन सेट करने के बाद सिले कैसे मिलती है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको इस कपड़े पे सिले करके दिखाता हूँ कि मशीन सिले कैसे देता है। देखिए यह है इस मशीन की सिलाई, एकदम प्रॉपर मोती के दाने जैसी सिलाई। तो ओवरलॉक मशीन की सिलाई सेट करने के लिए ये टेंशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सभी टेंशन की प्रेशर को ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, मीडियम रेंज पे रखिए तो आपको प्रॉपर सिलाई मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।